अपना सुपरिचय दीजिए। मैं ब्रजेश कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर। आपके यहाँ चुनाव चल रहा है, लोकसभा का 7वां चरण आपके यहाँ अंतिम चुनाव है, जिसका 2 दिन प्रचार है, आज और कल। कल 30 तारीख को समापन होगा, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, किस तरह से ये सीट निकलेगी यहाँ पर, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर वर्तमान सांसद भी भाजपा का है, तो किस तरह से आप लोग ये चुनाव को सफल बनाएंगे? मेरे गोरखपुर ज़िले में 2 लोकसभा है, गोरखपुर सदर श्रीमती काजल निषाद जी चुनाव लड़ रही हैं और बांसगांव से श्री सदल प्रसाद जी बांसगांव सुरक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों सीटों के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता नेतागण लोगों ने खूब मेहनत किया है, खूब पसीना बहाया है, जिसका परिणाम ये है कि आज दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। सर, ये जैसे यहाँ पर डॉक्टर संजय निषाद हैं, भारतीय जनता पार्टी में विलय हुए हैं, वो भी वर्तमान मंत्री हैं, तो क्या निषादों का वोट वो काट नहीं सकते हैं, जैसे काजल निषाद और संजय निषाद, जातीय समीकरण? संजय, डॉक्टर संजय निषाद से और काजल निषाद से दूर दूर का तुलना नहीं है, इस नाते कि जिन मुद्दे पर डॉक्टर संजय निषाद जी ने निषाद बंधुओं को, निषाद भाइयों को जिस लालच में उन्होंने अपने साथ इकट्ठा किया था, भोजन भरी ताली का पार्टी बनाई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम इकट्ठा करके सबको आरक्षण दिलाएंगे, अनुसूचित जात में शामिल कराएंगे, फिर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो उसमें निषादों को हक अधिकार मिलेगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार बन जाने के बाद भी, मंत्री बन जाने के बाद भी उन निषाद भाइयों को कुछ भी नहीं दिया, और उल्टे ही जब उनको मौका मिला तो निषाद भाइयों को छोड़ करके अपने सांसद बन गए, बेटे को सांसद बना दिए, एक बेटे को विधायक बना दिए, बाकी जितने निषाद बंधु हैं गोरखपुर के और आसपास के, सब लोग ये सोच रहे हैं कि, और जनता भी सोच रही है कि तो परिवार अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, जिस निषाद समाज के लोगों ने इनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज उन्हीं निषाद समाज के लोगों के सामने इन्होंने ठेंगा दिखा दिया, कोई लाभ नहीं दिया इन्होंने। इस नाते आज के तारीख में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 2018 में समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे संजय निषाद के लड़के प्रवीण निषाद जी को हम लोग सांसद बनाए थे, धोखा देकर चले गए, तो उस बार तो निषाद बंधुओं ने उनको मौका दिया, इस बार आपके माध्यम से गोरखपुर के निषाद बंधुओं से मैं बहुत अनुरोध के साथ कहना चाहता हूँ कि काजल निषाद जी आपके समाज की हैं, आपकी जात बिरादरी की हैं, एक बार इनको भी मौका दीजिए और इनसे भी एक बार इनका टेस्ट लीजिए कितना बढ़िया काम कर सकती हैं। हम सभी निषाद बंधुओं से और सभी समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, अपने दलित समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि इस बार अपना वोट न खराब करें, अपना मत कहीं से भी खराब न होने दें, और जिस संविधान को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, आज वो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आरक्षण को बहुत साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे खत्म कर रही है, प्राइवेट कर रही है, इस नाते सभी बुनियादी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अम्बेडकरवादियों से, समाजवादियों से, समाज के सभी वर्गों से ये अपील, निवेदन, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस बार आप लोग सभी लोग मिलकर के, जो हमारे नेता हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी, इन दोनों लोगों ने जो चुनावी मुद्दा लाया है, उन मुद्दों के आधार पर तमाम सुविधाएं आम जनमानस को मिलने जा रही है, इसमें महंगाई खत्म करने का बहुत बढ़िया रास्ता है, जिसमें इस देश के अंदर जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष मिलने वाला है, नौजवानों के लिए शिक्षा फ्री होने वाली है, और पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को 30 लाख एक मुफ्त रोजगार मिलने वाला है, किसानों के लिए सब्सिडी मिलने वाली है, अलग अलग ऐसी सुविधाएं इंडिया गठबंधन देने जा रही है। मैं अपने दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत अनुरोध के साथ कि अवसर है, कहीं भी किसी के बगलाने में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर मजबूती से कोई लड़ रहा है, पूरी ताकत से लड़ रहा है, तो इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी
इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी को भारी मतों से पहली जून को चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। इसी तरह से लोकसभा बासगांव में आदरणीय श्री सदल प्रसाद जी, उनका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, उनको अपना हाथ के पंजे के सामने बटन दबा करके उनको भारी मतों से विजयी बनाए, हमारा भी सम्मान बढ़ाए, क्योंकि गोरखपुर जिले में दलित समाज चाहे किसी प्रकार किसी भी पार्टी का हो, धीरे धीरे उसको साजिश के तहत कमजोर हो गया है। हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये बहुत सुनहरा और शानदार अवसर दिया है। अगर दलित समाज के लोग हमें ताकत देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपके मान सम्मान में कहीं कसर नहीं आने देंगे, कहीं कोताही नहीं बरतेंगे, और आपके लिए हम खून बहाने के लिए भी तैयार हैं, पसीना बहाने के लिए तैयार हैं, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। एक बार मेरे निवेदन को दलित भाई स्वीकार करें और गोरखपुर में दोनों सीट जिता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।